नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार सैनी है और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कि कृषि रसायन में कक्षा 12 के सिलेबस की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 मृदा कोलोइड्स के बारे में। तो सबसे पहले पाठ की हम प्रस्तावना की बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो परिचय की अगर हम बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने सन 1861 में, कौन सी सन है दोस्तों, सन 1861 में थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक था, सन 1861 में जल विलय पदार्थ लिए और जल विलय पदार्थों का जो जल में आसानी से घुलनशील हो जाए उन पदार्थों का जंतु झिल्ली में, जल विलय पदार्थ लिए, जल विलय पदार्थों का जंतु झिल्ली में, जंतु झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर जानते हुए झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो जंतु झिल्ली लेकर के या जानते हुए झिल्ली लेकर के उसमें मिश्रण के आधार पर मिश्रण करवा करके देखा जल विलय पदार्थों का और मिश्रण के आधार पर उन पदार्थों को, किनको, जल विलय पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला क्रिस्टलो या फिर क्रिस्टलोइड बोलते हैं और जो दूसरा वर्गीकरण किया वो था कोलोइड। अब क्रिस्टलोन किसे कहा और कोलोइड किसे कहा उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्रिस्टलोन की अगर हम बात करें तो उन्होंने थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने देखा कि भाई शर्करा का जो सॉल्यूशन है, शर्करा है या फिर NaCl है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं सामान्य भाषा में, नमक बोलते हैं, ये जो सॉल्यूशन था इसका जंतव्य झिल्ली में यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली में या फिर जंतु झिल्ली में आसानी से विसरण हो गया। आसानी से क्या हो गया दोस्तों, विसरण हो गया। विसरण से मतलब है कि आसानी से उठ करके बाहर निकल गया। उसके बाद में जो शर्करा थी, NaCl थी, आसानी से मिश्रित हो गई, आसानी से छन करके बाहर निकल गई। इन पदार्थों को थॉमस ग्राहम ने क्रिस्टलोन नाम दिया। तो क्रिस्टलोन की अगर बात करें, क्रिस्टलोन की परिभाषा क्या होगी दोस्तों कि भाई वे पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, वे पदार्थ जिनका जंतु झिल्ली या फिर बोल सकते हैं जांतव्य झिल्ली और एक नाम और इसका अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्ली। इनमें से आसानी से विसरण हो जाता है क्रिस्टलोन कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका जंतु झिल्ली में आसानी से पूर्ण रूप से विसरण हो जाता है क्रिस्टलोन कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों हमारे सामने, एग्जाम्पल है शर्करा का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, ये किसके उदाहरण है, क्रिस्टलोन के उदाहरण है। उसके बाद में आता है हमारे पास में नंबर 2 कोलोइड। कोलोइड किसे कहेंगे, तो उन्होंने देखा कि स्टार्च था या फिर स्टार्च सॉल्यूशन बोल सकते हैं, जिलेटिन जेली बोलते हैं, जो सेंटोप्रेस वगैरह आते हैं, चिंगम वगैरह आते हैं, वो जेली के या जिलेटिन के उदाहरण है। स्टार्च जिलेटिन गोंद, इन पदार्थों को मिश्रण करवाया तो इनको मिश्रण करवाने पर उन्होंने देखा कि ये अल्प मात्रा में विसरित हुए या फिर इनका विसरण बहुत ही कम मात्रा में या फिर मंद मात्रा बोल सकते हैं या फिर विसरण ही नहीं हुआ। तो इन पदार्थों को थॉमस ग्राहम ने कोलोइड नाम दिया। तो कोलोइड की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, वे पदार्थ जिनका जंतु झिल्ली में या फिर जांतव्य झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली में अल्प मात्रा में या फिर विसरण ही नहीं होता है वो पदार्थ कोलोइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ हमारे पास में, एग्जाम्पल है स्टार्च है, जिलेटिन है और गोंद है, इनका जंतु झिल्ली में से विसरण या तो अल्प मात्रा में होता है या फिर विसरण ही नहीं होता है। तो इन पदार्थों को थॉमस ग्राहम ने क्या नाम दिया, कोलोइड नाम दिया। तो कोलोइड शब्द की उत्पत्ति के बारे में पता चला हमें यहाँ पे। उसके बाद
सर्वप्रथम कोलोइड के बारे में जानकारी दी थॉमस ग्राहम। तो इसी आधार पर थॉमस ग्राहम को कोलोइड रसायन का जनक भी कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि कोलोइड रसायन का जनक किसे कहेंगे, तो कोलोइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है, थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। उसके बाद बात आती है दोस्तों, कोलोइड हो गया यहाँ पे, कोलोइड शब्द कौन सी भाषा से निकला, तो कोलोइड शब्द की बात करें, कोलोइड शब्द ग्रीक भाषा से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। यदि इसके अर्थ की अगर हम बात करें, तो अर्थ की अगर हम बात करें तो कोला प्लस में ओड्स से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ दोस्तों, कोला प्लस ओड्स से, जिसमें कोला के अर्थ की अगर हम बात करें तो कोला का अर्थ होता है गोंद या फिर गम, गोंद हम सब जानते हैं, और ओड्स का अर्थ होता है केसम। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि भाई गोंद के समान दिखने वाले पदार्थों को ही क्या कहा जाता है, कोलोइड कहा जाता है। तो ये तो हो गई थॉमस ग्राहम की अवधारणा, लेकिन आगे जाकर के क्या हुआ कि जो थॉमस ग्राहम ने जो अवधारणा प्रस्तुत की, इसके जो परिणाम थे संतोषजनक प्राप्त नहीं हुए। संतोषजनक प्राप्त नहीं होने के पीछे कारण क्या था कि भाई कुछ विशेष जो पदार्थ हैं, विशेष प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, विशेष प्रकार के गुणधर्मों से मतलब है कि भाई एक मिलियन में तो वो कोलोइड की तरह व्यवहार करते हैं और दूसरे मिलियन में किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्रिस्टलोइड की तरह व्यवहार करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो क्रिस्टलोइड की तरह भी व्यवहार कर रहे हैं और कोलोइड्स की तरह भी व्यवहार कर रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, तो NaCl है, NaCl को शुरुआत में थॉमस ग्राहम ने क्या बताया था कि ये जंतु झिल्ली में से आसानी से इसका क्या हो जाता है, विसरण हो जाता है। अब आसानी से विसरण हो रहा है, आसानी से विसरण हुआ तो उन्होंने क्या नाम दिया था, क्रिस्टलोइड नाम दिया। अब NaCl है, NaCl की बात करें, NaCl यदि जल में घुलनशील है, NaCl का जो जलीय मिलियन है ये व्यवहार करता है किसी तरीके से, क्रिस्टलोइड की तरीके से व्यवहार करता है, यानी कि NaCl का जो जलीय मिलियन है वो क्रिस्टलोइड होता है, जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाता है आसानी से। उसके बाद यदि हम इसी NaCl को बेंजीन में विलय करें, किसमें विलय करें दोस्तों, बेंजीन में विलय करें, तो बेंजीन में जो NaCl का जो सॉल्यूशन है या विलयन है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, कोलोइड की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जाकर के जो थॉमस ग्राहम की अवधारणा थी क्या हो गई दोस्तों, असफल साबित हो गई। NaCl जल में क्रिस्टलोइड की तरह व्यवहार कर रहा है और बेंजीन में किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कोलोइड की तरह व्यवहार कर रहा है। उसके बाद ये तो है पहला एग्जाम्पल, पहली कमी निकल करके आ गई। दूसरी कमी की बात करें, साबुन है हमारे पास में, साबुन के कई सोडियम स्टीरेट बोलते हैं, सोडियम पार्मेटेट वगैरह है, सोडियम लोरेट सल्फेट, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। तो साबुन की अगर हम बात करें तो साबुन का जो जलीय मिलियन होता है, साबुन का यदि जल में घोल रखा है, जलीय मिलियन बना रखा है, तो साबुन का जलीय मिलियन किसकी तरह व्यवहार करता है, कोलोइड की तरह व्यवहार करता है। ठीक इसी प्रकार यदि इसी साबुन को हम किसमें घोल दें, एल्कोहल में घोल दें, किसमें घोल दें दोस्तों, एल्कोहलिक जो मिलियन है, एल्कोहलिक मिलियन में यही साबुन किसकी तरह व्यवहार करता है, कोलोइड की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद में ये दो कमियां निकल करके आ गई, तो और भी कमियां थी। इस आधार पर जो थॉमस ग्राहम की जो अवधारणा थी कैसी साबित हो गई दोस्तों, असफल साबित हो गई। तो ये थी हमारे पास में चैप्टर में कोलाइड्स के बारे में इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं कोलाइड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से, कोला प्लस ओड्स से मिलकर के बना है, थॉमस ग्राहम ने दिया 1861 में जंतु झिल्ली में विसरण के आधार पर दिया। अब हम बात करेंगे मृदा कोलोइड्स की परिभाषा के बारे में, तो मृदा कोलोइड्स की परिभाषा क्या है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो परिभाषा जो दी गई मृदा कोलोइड्स के बारे में वो दी गई कणों के व्यास के आधार पर,
मृदा कोमल। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा में कणों के व्यास के आधार पर परिभाषा दी गई। तो परिभाषा क्या है, देखो, ऐसे मृदा कण या फिर वे मृदा के कण जिनका व्यास एक मिली माइक्रोन मापन की इकाई है, एक मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन, कितने 100 मिली माइक्रोन तक हो, एक मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन तक हो, साथ ही वे कोलोइडियल गुण रखते हो, कोलोइडियल गुण रखते हो, मृदा कोलोइड कहलाते हैं। मृदा कोलोइड कहलाते हैं। परिभाषा दोबारा से ध्यान से देखिए दोस्तों, कणों के व्यास के आधार पर परिभाषा दी गई, और व्यास के आधार पर क्या बोला गया, वे मृदा के कण, कोई भी मृदा का कण है, उस कण का व्यास कितना होना चाहिए, 1 मिली माइक्रोन से लेकर के 100 मिली माइक्रोन तक ही होना चाहिए। इसके साथ में वो कोलोइडियल जेल, कोलोइडियल है, उनके क्या क्या गुण होते हैं, उन गुणों की पालना करनी चाहिए। अब गुण क्या क्या है उसके बारे में हम बात करें इसी चैप्टर के अंदर, कोलाइडों के गुणों के बारे में। तो कोलाइडियल गुण रखने चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, मृदा कोलोइड कहते हैं। परिभाषा समझ में आई होगी दोस्तों, वे मृदा कण जिनका व्यास 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन तक हो, साथ ही कोलोइडियल गुण रखते हो, मृदा कोलोइड कहते हैं। उसके बाद में आगे परिभाषा में क्या बताया गया, नोट बोल सकते हैं इसको, इंपोर्टेंट लाइन बोल सकते हैं इसको, भाई जो कणों के व्यास की अधिकतम सीमा, कणों के व्यास की अधिकतम सीमा अधिकतम सीमा 500 मिली माइक्रोन तक हो सकती है, कितनी हो सकती है दोस्तों, 500 मिली माइक्रोन तक। शुरुआत में क्या बोला, कणों के व्यास की सीमा 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन तक होने चाहिए कणों का व्यास, लेकिन बाद में क्या बोला कि कणों के व्यास की जो हाईएस्ट लिमिट है, हाईएस्ट लिमिट कितनी है, 500 मिली माइक्रोन तक हो सकती है। तो सवाल ये बन सकता है, परिभाषा ना पूछ करके ये पूछ ले कि मृदा कोलाइड के जो कणों के व्यास की जो अधिकतम लिमिट है वो अधिकतम लिमिट कितनी है, तो अधिकतम लिमिट कितनी है दोस्तों, 500 मिली माइक्रोन। आप इस पार्ट को या इन जो नोट्स वगैरह हैं इनको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, और जो नोट्स वगैरह हैं या इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको जो मर्दर स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उपलब्ध करवा दिए गए। उसके बाद में आता है हमारे पास में एक पॉइंट, ये हो गया कणों के व्यास की अधिकतम सीमा 500 मिली माइक्रोन। अब इन कणों को देखने की बात आती है, तो इन कणों को हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। किसके द्वारा देख सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। इन कणों को हम ना तो नग्न आंखों के द्वारा देख सकते हैं और ना ही साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। नग्न आंखों से मतलब है कि बगैर चश्मे वगैरह के हम इन कणों को हम देख नहीं सकते। तो इन कणों को केवल किसके द्वारा देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मृदा कोलाइड्स के बारे में जो परिचय था, परिचय समझ में आया होगा कि उत्पत्ति कहां से हुई, उसके बाद में मृदा कोलाइड्स की परिभाषा क्या है, उसके बाद में हम बात करेंगे कोलाइड्स के गुणों के बारे में। यहां पे परिभाषा में शब्द आया था कोलाइड गुण रखने थे, अब बात करेंगे हम कोलाइड्स के गुणों के बारे में।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। उसके बाद में कोलोइड्स के गुणों के बारे में बात करेंगे हम इसी चैप्टर के भाग सेकंड में। धन्यवाद।